नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, चिर प्रतीक्षित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा राजस्थान के अंदर बहुत जल्दी ही प्रस्तावित है, लेकिन साथियों एक विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब इस बार से आपकी परीक्षा का स्तर अत्यंत जटिल होने जा रहा है और शायद बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके अंदर एक तगड़ी समस्या झेलना पड़ सकता है। हुआ क्या है, देखिए कारण क्या है, जिस वजह से मैं आप लोगों को इंगित करना चाह रहा हूं, यह कारण है कि गत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 तक जब तक आयोजित हुई थी, पहली बार 2008 से राजस्थान में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का लिखित तरीका शुरू किया गया था। इससे पहले सीधी भर्ती हुआ करती थी। मैं आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में नवीनतम जानकारी आने वाले कुछ दिनों में लगातार दूंगा, साथ ही साथ इसके अंदर हमको क्या अपग्रेडेशन करनी है इसकी जानकारी दूंगा, साथ ही क्या समस्या पैदा हुई है उनको टुकड़ों में बताऊंगा। आज एक पहली समस्या से आपको इंगित करा रहा हूं, पहली समस्या से आपको परिचित करा रहा हूं। गत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा तक क्या था, आप किसी भी प्रश्न पत्र के अंदर कितने भी न्यूनतम अंक लेकर आए आपको योग्य माना जाता था। बहुत से विद्यार्थी मैंने स्वयं ने ऐसे देखे हैं जिनके 260 में से शारीरिक शिक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जो हुआ करता था उसमें से 220, 223, 224 ऐसे कम से कम पिछली भर्ती के 20 स्टूडेंट्स हमारे पास सूचीबद्ध हैं जिनके 220 से ज्यादा स्कोर जो हैं वो क्रॉस हुए थे पिछली शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेकेंड पेपर के अंदर। लेकिन उनके प्रथम प्रश्न पत्र में कितने अंक थे, 77, 75, 70 और कुछ तो ऐसे थे जिनके 60 ही आए थे। फिर भी ऐसे लोगों के चूंकि मार्क्स सेकंड पेपर में अच्छे थे, प्रथम प्रश्न पत्र में भले ही चाहे वो 75 अंक लेकर आए हों, लेकिन सर्टिफिकेट आदि मिलाकर वो 325 के आसपास पहुंच गए थे। अब आप लोगों के सामने क्या समस्या आ रही है, भर्ती तो बहुत जल्द आ रही है लेकिन अब ध्यान रखिएगा भैया, पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न पत्र दोनों ही प्रश्न पत्रों के अंदर आपको न्यूनतम 40-40% मार्क्स लाने ही होंगे, न्यूनतम 40% मार्क्स दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग होंगे तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप ये मान के चल लीजिएगा, हमारा भी एक रिच एक्सपीरियंस है, बड़ा तजुर्बा है, प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस करते हैं। चुनिंदा स्टूडेंट्स होते हैं जो 100 अंक को पार करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र 260 अंकों का और 40 अंक जो होते हैं वो खेल प्रमाण पत्रों के होते हैं, और इस आधार पर आपकी प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी का प्रश्न पत्र भी अब समाहित कर दिया गया है। पहले तो विगत 32 सालों से प्रथम प्रश्न पत्र या सॉरी प्रथम श्रेणी की पोस्टें आई नहीं रही थी, लेकिन अब आप समझ लीजिएगा कि अब आपको दोनों प्रश्न पत्रों के अंदर 40-40% यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र में कम से कम 80 मार्क्स लाने होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर सीधा सीधा कितने मार्क्स लाने होंगे आप स्पष्ट तौर पर क्लैरिफाई इनको कर कर देख लीजिएगा कि द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको यदि 260 का हम लोग 40% निकाले तो 25 × 100 और 6 × 6 यदि हम बात करें तो 25 × 100 हो गया, और यदि 6 अंक इसके अंदर हम लोग और जोड़ लें लगभग लगभग 40% अंकों का आंकड़ा यही निकलता है। 26 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 104 एग्जैक्ट आंकड़ा आ गया। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको कम से कम 80 और द्वितीय प्रश्न पत्र में कम से कम 104 अंक लाने पड़ेंगे तो ही आप एलिजिबल क्लैरिफाई या क्वालिफाइड माने जाएंगे। अदरवाइज आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में 200-250 अंक आते हैं लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 79 मार्क्स भी हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, यह दूसरी बात है कि कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लिए 5% न्यूनतम अर्थांक के अंदर छूट दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन सभी के लिए नहीं, जो लोग एलिजिबल कैटेगरी के अंदर हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको कुछ विशेष श्रेणियों के अंदर आरक्षण या अन्य लाभ परिलाभ दिया गया है उनके लिए। तो अब आप लोग तैयार हो जाइएगा क्योंकि यह एक जटिल स्थिति होने जा रही है। खैर, हम आपके साथ हैं, सदा आप लोगों को समय समय पर मार्गदर्शित करते हुए इन सारी समस्याओं से बाहर निकालते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।